Good morning, everyone. In the previous lecture, correct, we have seen sum number 7 based on the properties. So first, second, fifth, sixth, and seventh, these sums are completed. We will begin with the last two sums today. We will complete the properties of determinants. Okay. So let us start with the sums which you are about to go ahead. So first, I am starting with sum number 3. Sirf do hi sums baki hai hamare. Jaldi se sum number 3 as well as 4 we will try to complete. Correct. Fir ek bar main fir se properties jo hai wo revise karwa dunga. ताकि आप लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं द सम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2 दे से दैट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. सॉल्व द following equation. The equation given to you is x plus 2 x plus 6 x minus 1 x plus 6 x minus 1 and then I have x plus 2. Similarly, x minus 1, x plus 2, and then I have x plus 6. Good morning. So, agar aap observe karein is cheez ko, to kya aapko lagta hai elements jo hain, wo kahin na kahin repeated hain, beta. Elements, if you observe, they are repeated. Like x plus 2, aap teen jagah par dekh rahe hain. X plus 6, aap teen jagah par dekh rahe hain. x माइनस वन जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है. करेक्ट. तो हमें यूज करने हैं हमारे प्रॉपर्टीज जहां तक हम यूज कर सकें और फिर हमें आगे बढ़ना है. तो ऐसे टाइप का सम हमने पिछली बार भी किया है. हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम डिटरमिनेंट्स को रिड्यूस करें. ठीक है. तो रिड्यूस कैसे करें, मुझे ये वेरिएबल्स को तो पहले हटाना पड़ेगा. करेक्ट. तो रो 1, रो 2, रो 3, आप कोई भी दो रो ले सकते हैं. करेक्ट. उसमें से आप किसी एक रो को माइनस कीजिए. ठीक है. तो आपके पास कई ऑप्शन है. देखिए, पहला ऑप्शन है आप क्या कीजिए, रो 2 में से रो 1 को माइनस कीजिए और फिर रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कीजिए. या तो फिर रो 1 में से रो 2 को माइनस कीजिए या तो फिर रो 1 में से रो 3 को माइनस कीजिए. सिमिलरली आप रो 3 में से रो 2 को माइनस कीजिए. सिमिलरली अगर आप से रो 2 ले रहे हैं तो उसमें से रो 1 को एंड देन रो 3 में से रो 1 को. करेक्ट. जैसे मैंने पहला वाला बताया. सो रो 2, रो 1, रो 2, अभी रो 3, रो 3 भी आप माइनस कर सकते हैं रो 1 में से रो 3. सो दीज आर the options. तो आप इसमें से कौन सा जाना चाहेंगे, किन रोज में से किसको माइनस करना चाहेंगे. यू हैव एनी ऑफ द थ्री कैन बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. करेक्ट. सो यू कैन देखो वैल्यूज में ज्यादा फर्क आएगा नहीं, रीजन बीइंग की दे आर रिपीटेटिव इन नेचर. करेक्ट. नाउ यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस. या तो आप रो 2 रो 3 में से रो 1 को माइनस करो या तो रो 1 में से रो 2 रो 3 को माइनस करो या तो रो 2 रो 3 में से रो 2 रो 1 में से रो 3 को माइनस करो. नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर व्हाट गिव्स अस अ थॉट प्रोसेस फॉर गोइंग अहेड फॉर दिस. करेक्ट. सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट. देयर इज एन एल्गोरिदम व्हिच वर्क्स इन द बैकग्राउंड. ठीक है. एक एल्गोरिदम है जो एक्चुअली बैकग्राउंड में काम करता है
जो आप 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। जब भी आपके पास एक स्क्वायर जैसा, चलो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, आपके जो भी डिटर्मिनेंट्स है वो कैसे होते हैं, जितने रोज होते हैं ना बेटा उतने ही कॉलम्स होते हैं। तो सोचो कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अल्गोरिदम ये कहता है कि इस एलिमेंट का यूज करके आप इन दोनों को रिड्यूस करो, अगर ये एलिमेंट नहीं यूज कर रहे तो फिर इस एलिमेंट का यूज करके इन दोनों को रिड्यूस करो, अगर ये भी नहीं ले रहे हैं तो इस एलिमेंट का यूज करके इन दोनों को रिड्यूस करो। करेक्ट, दिस इज द एल्गोरिदम नो विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन 12th। बट मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि, मैंने इसी अल्गोरिदम का कहीं ना कहीं यूज किया है कि भाई पहले मैं रो वन को माइनस कर दूं रो टू रो थ्री में से, यानी कि ए वाला पार्ट, फिर मैं रो टू को क्या करूं रो टू में से रो वन और रो थ्री को माइनस कर दूं, फिर रो थ्री में से करेक्ट या रो वन रो टू को मैं रो थ्री से माइनस कर दूं, राइट। सो दिस इज एन अल्गोरिदम विच वर्क्स इन द बैकग्राउंड, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन करेक्ट वी हैव दीज ऑपरेशंस नो विच वी कैन परफॉर्म फॉर द सेम, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट द अल्गोरिदम फॉर यू इन अ फॉर्म ऑफ ए स्टेप्स, ठीक है। तो सोचो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है से ए बी सी पी क्यू आर करेक्ट, देन से एक्स वाई जी, ठीक है। सो स्टेप वन क्या होता है अल्गोरिदम का, यूजिंग ए, मैं ए इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, यानी कि फर्स्ट रो, यूजिंग ए आई विल रिड्यूस पी क्यू, पी एंड क्यू यानी कि रो टू और रो थ्री, ठीक है। सिमिलरली बताइए स्टेप टू, अगर आप ये नहीं जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर स्टेप वन, तो आप क्या जा सकते हैं, स्टेप टू जा सकते हैं, इट इज और, ओके, इट इज एन एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव। अगर आप स्टेप वन नहीं जा रहे हैं तो आप स्टेप टू जाइए। स्टेप टू क्या है, यूजिंग क्यू, क्यू किधर है बेटा, सेकेंड रो में है, क्यू इज इन दी सेकेंड रो, तो क्यू की मदद से आप किन को रिड्यूस कर सकते हो, बी एंड वाई को। अगर आप स्टेप वन स्टेप टू नहीं जा रहे हैं तो आप क्या जाएंगे बेटा, स्टेप थ्री जाएंगे, स्टेप थ्री विल बी यूजिंग जेड यू कैन रिड्यूस सी एंड आर। तो नाउ इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू अल्गोरिदम, इट्स लाइक और, नो एक्सक्लूसिव और, आइदर द फर्स्ट केस और द सेकेंड केस और द थर्ड केस, सो यू कैन गो फॉर एनी, करेक्ट। सो बट याद रखना, ये थोड़ा आपके कॉलेज के टीचर्स से थोड़ा मैच होना चाहिए, करेक्ट, नहीं भी होगा तो दे वोंट रिड्यूस मार्क, बट अगर मैच होएगा तो इट इज बेटर, करेक्ट, बिकॉज वो ना इसे जज करते हैं कि कितने बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया एंड सो ऑन, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलो, एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस अल्गोरिदम, इट्स अ सीक्वेंशियल, दीज आर कॉल्ड एज द सीक्वेंशियल स्टेप्स विच वी नीड टू परफॉर्म बेटा, करेक्ट। Anybody having any doubts in these? So which step you would like to go ahead? आप रो वन को माइनस करना चाहोगे रो टू रो थ्री में से, कि रो टू को माइनस करना चाहोगे रो वन रो थ्री में से, कि आप रो थ्री को माइनस करना चाहोगे रो वन रो टू में से, करेक्ट। सो ये अल्गोरिदम का अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं, एकदम सिंपल, तो क्या रहेगा कि मैं रो वन जो है माइनस कर दूं रो टू रो थ्री में से, या तो फिर एक तो ध्यान दीजिएगा बेटा, या तो फिर मैं रो टू को माइनस कर दूं रो वन रो थ्री में से, या तो फिर मैं रो थ्री को माइनस करूं रो वन रो टू में से, करेक्ट। दिस इज व्हाट योर अल्गोरिदम सेज, करेक्ट, इन ब्रीफ, इज इट ओके एकता, नाउ
Now it depends on you which method you would like to go ahead for. Correct. So quickly tell me, कौन सा मेथड जाना चाहेंगे, किसको क्या रिड्यूस करना चाहेंगे आप लोग? सो यू कैन गो बाय एनी ऑफ दिस एंड लेट मी टेल यू, दिस एल्गोरिदम इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस. ओके, ये आपके सिलेबस में एक्चुअली नहीं आता है. मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो. ओके, रो वन रो थ्री, R2 माइनस R1, R3. ओके, काफी लोग रो वन में से थ्री और टू को माइनस करना चाहते हैं. तो चलो बहुत ध्यान से बेटा, विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा LHS से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ LHS. दिया गया है X प्लस टू, x प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स. ठीक है, ध्यान से. सो मैं रूट टू को क्या करने वाला हूं, रो टू पर ऑपरेशन करने वाला हूं, दैट इज आर टू माइनस आर वन. ठीक है, रो टू में से रो वन को माइनस करूंगा. करेक्ट. और मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है, दोनों स्टेप एक टाइम पे परफॉर्म नहीं करने वाला बेटा. ठीक है, अब देखो रिडक्शन होने वाला है रो टू पर बेटा. ठीक है, रिडक्शन होगा रो टू पर. तो मैं क्या करूंगा, रो वन को वैसे ही रख दूंगा कि रो वन में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले. ठीक है, और रो थ्री को भी मैं वैसे ही रख दूंगा एज इट इज, बिकॉज रो थ्री में फिलहाल के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. अब ध्यान दीजिएगा हाउ एम आई परफॉर्मिंग दिस. ठीक है, ऑपरेशन क्या है, रो टू में से मुझे रो वन को माइनस करना है. तो रो टू में मेरा एलिमेंट पहला वाला क्या है, एक्स प्लस सिक्स. तो इधर मैं लिखूंगा x प्लस सिक्स माइनस रो वन. रो वन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है बेटा, रो वन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x प्लस टू. तो माइनस होगा x प्लस टू. जैसे ही बेटा आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस x माइनस x कट जाएगा, सिक्स माइनस टू आपको कितना मिलेगा, फोर. आई थिंक माइनस करने सभी को आता होगा. यस yes. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट बेटा, अभी सेकेंड एलिमेंट क्या है रो टू का, एक्स माइनस वन. सेकेंड एलिमेंट इज एक्स माइनस वन. इसमें से मैं माइनस करूंगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से एक्स प्लस सिक्स. ठीक है, तो इधर अब मैं माइनस करने वाला हूँ एक्स प्लस सिक्स. जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, आपको मिलेगा माइनस वन माइनस सिक्स. यानी कि बेटा यहां पर आपको एलिमेंट लिखेंगे माइनस सेवन. ठीक है, सिमिलरली बेटा अभी थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है रो टू में, एक्स प्लस टू. तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू. इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एंड दैट इज वॉट, एक्स माइनस वन. एक्स माइनस वन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, टू माइनस ऑफ माइनस वन, टू माइनस ऑफ माइनस वन विल बी हाउ मच, थ्री. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट ऑपरेशन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट ऑपरेशन? ये रफ वर्क जो है वो रखना है कि मैं रब कर दूं चलेगा? Do you want to keep this rough work or I should rub it, beta? Okay. तो एक काम करते हैं, इस रफ वर्क को मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ. ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये चीजें.
सो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया एंड दैट वाज आर टू माइनस आर वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? अब मैंने आर टू में से आर वन हटा दिया, अब आर थ्री में से भी हटाना पड़ेगा। करेक्ट, दोनों से ही सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? आर वन दोनों में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, करेक्ट? तो अब ध्यान से बेटा, अब ये हमारा रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, ठीक है? याद है क्या पाइपलाइन स्ट्रक्चर? ये अभी मेरा रिड्यूस्ड वाला मैट्रिक्स है। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मैं इस मैट्रिक्स पर परफॉर्म करूंगा, ठीक है? तो अब ऑपरेशन किधर होगा बेटा? रो थ्री पर होगा, और मैं क्या करने वाला हूँ? रो थ्री में से रो वन को माइनस करने वाला हूँ, ठीक है? अब ऑपरेशन होगा बेटा रो थ्री पर। सिंस द ऑपरेशन इज ऑन रो थ्री, सो आई एम गोइंग टू कीप रो वन एंड रो टू एज इट इज, करेक्ट? फोर माइनस सेवन एंड थ्री, ठीक है? अब ध्यान से बेटा, ऑपरेशन है रो थ्री माइनस रो वन, ठीक है? अब रो थ्री क्या है? एक्स माइनस वन, रो थ्री इज एक्स माइनस वन माइनस रो वन, रो वन है हमारा करस्पॉन्डिंगली एक्स प्लस टू। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस वन माइनस टू, यानी कि आपको यहां पर मिलेगा माइनस थ्री, ठीक है? नेक्स्ट, अगला एलिमेंट है एक्स प्लस टू, ठीक है? तो रो थ्री की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस टू, माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज आर वन, यानी कि एक्स प्लस सिक्स। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, टू माइनस सिक्स विल बी हाउ मच? माइनस फोर। सिमिलरली आर थ्री, ये है बेटा एक्स माइनस सिक्स, ठीक है? तो एक्स माइनस सिक्स माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है हमारा? एक्स माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसिल, यू विल गेट माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस वन, कितना मिलेगा बेटा ये आपको? एक सेकेंड, इधर प्लस सिक्स है, मैंने क्वेश्चन प्लस है, प्लस सॉरी हियर इट इज प्लस। अभी ध्यान गया क्वेश्चन पे, एक्स प्लस सिक्स माइनस ऑफ माइनस वन, ये हो जाएगा बेटा सेवन। तो अब आपने मैक्सिमम डिटर्मिनेंट जो है वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है? हमें दिया गया है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो अब मैं इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ। ये बाद में के लिए इसलिए रखा मैंने क्योंकि पहले आप डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर लीजिए, अब आपके लिए आसान होगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, ठीक है? नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट बेटा। चलो, एवरीबॉडी नोज हाउ टू सॉल्व ए थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट। पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे टू क्रॉस टू में, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा बेटा? माइनस सेवन, थ्री माइनस फोर एंड सेवन, सेंटर साइन इज ऑलवेज माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स, इधर आएगा फोर माइनस थ्री, थ्री सेवन, फिर प्लस में आएगा एक्स माइनस वन, इधर आएगा फोर माइनस थ्री, थ्री सेवन, इट इज इक्वल टू जीरो। चलो, एक्स प्लस टू, टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट है, सेवन इंटू माइनस सेवन, दिस विल बी माइनस फोर्टी नाइन, फोर थ्री जा ये माइनस ट्वेल्व होगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस ट्वेल्व। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट बेटा? डायरेक्ट लिखा मैंने प्लस ट्वेल्व, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? मैंने डायरेक्टली लिखा है बेटा प्लस ट्वेल्व,
किसी को कोई डाउट बेटा? ओके, माइनस एक्स प्लस सिक्स, अगेन फोर सेवन जार विल बी 28, माइनस नाइन, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस, तो दिस विल बी प्लस नाइन, प्लस एक्स माइनस वन, फोर सेवन जार 28, करेक्ट? एक सेकेंड, एक्स माइनस वन, फोर माइनस सेवन, थ्री माइनस फोर, सेम ब्रैकेट कैसे है वही सोचा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस नाइन बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? फोर माइनस थ्री, एक सेकेंड, वी आर कंसिडरिंग एक्स माइनस वन, माइनस सेवन, so this is minus 16 minus 21 equal to 0, ठीक है? अब ध्यान से बेटा, इधर आएगा x plus 2, 49 minus 49 plus 12, so it will be minus 37, minus of x plus 6 into, ये आएगा 28 plus 9, again 37, प्लस एक्स माइनस वन, माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी वन, अगेन इट टर्न्स आउट टू बी माइनस 37 इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो दो जगहों पर माइनस 37 आया है मेरे पास, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर है प्लस 37, सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम टेकिंग माइनस 37 कॉमन, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे इधर बचेगा x प्लस टू, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने माइनस 37 बाहर लिया ना, तो प्लस में क्या आ जाएगा? x प्लस सिक्स, और इधर आ जाएगा प्लस में x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं माइनस 37 को वो साइड लेके जाऊं तो इट विल बी अगेन जीरो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? What you will get is x plus 2 plus x plus 6 plus x minus 1 equal to 0. तो ये आपको मिलेगा 3x, 6 plus 2 8, 8 minus 1 is 7. ठीक है, equal to 0. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 3x प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, मतलब थ्री एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, मतलब आपको एक्स मिल गया माइनस सेवन बाय थ्री, ठीक है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एनी डाउट्स टू एनी वन? क्वेश्चन नंबर थ्री, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Anybody having any doubts, beta? Ekta, any doubts, Ekta? Arsha, Abhishek, Deepak, Drishti, और कौन था? कशिश, कृष्णा, सागर, सुशील, ओके, सो नोबडी हैज डाउट्स, सो लेट अस कंटिन्यू विद द लास्ट क्वेश्चन बेटा। लास्ट क्वेश्चन, इट इज एग्जैक्टली सेम एज थर्ड, एग्जैक्टली थर्ड की तरह ही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर,
क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिया गया है, इफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट दैट इज फोर प्लस एक्स, फिर आपको दिया है फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स करेक्ट, फिर दिया है फोर माइनस एक्स, फोर प्लस एक्स, फोर माइनस एक्स, देन अगेन यू हैव फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स एंड देन फोर प्लस एक्स। सो इसमें आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो प्लस है, फोर प्लस एक्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो क्या है, जीरो, सॉरी फोर माइनस एक्स है। यस एवरीवन, कैन यू ऑब्जर्व दैट डायगोनल एलिमेंट्स आर फोर प्लस एक्स एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, फोर माइनस एक्स। यस एवरीवन, क्या बोला हमें, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, बताइए कैसे करेंगे आप। करेक्ट, इट्स यू हु नीड टू ट्राई। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ही लिखेंगे, इक्वल टू जीरो में बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो इधर है फोर प्लस एक्स, फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स, इधर भी है फोर माइनस एक्स, फोर प्लस एक्स, फोर माइनस एक्स, हेयर इट इज फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स, फोर प्लस एक्स, करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर ट्राइंग दिस रफली, अगर आप आर टू में से आर वन को माइनस करें तो देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या। आर टू क्या है, फोर माइनस एक्स, माइनस आर वन क्या है, फोर प्लस एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर माइनस एक्स माइनस फोर माइनस एक्स, तो आपको माइनस टू एक्स मिल रहा है। लेट अस सी अदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट, मेरे पास है फोर प्लस एक्स, उसमें से मैं माइनस करूंगा फोर माइनस एक्स, तो फिर मुझे क्या मिल रहा है, फोर प्लस एक्स माइनस फोर प्लस एक्स, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए थर्ड एलिमेंट क्या मिल रहा है, फोर माइनस एक्स माइनस ऑफ फोर माइनस एक्स, अगेन यहाँ पर क्या मिल रहा है, फोर माइनस एक्स माइनस फोर प्लस एक्स, हेयर यू आर गेटिंग इट एज जीरो, ठीक है। तो क्या रिडक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एक और चीज बेटा, एक और चीज, सिमिलरली मैंने जैसे आर टू माइनस आर वन लिया है, आप आर थ्री माइनस आर वन भी ले सकते थे, यस आपके लिए दोनों ही ऑप्शंस ओपन है। सो इट इज यू हु नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, मैंने इसीलिए वो चीज आपको क्लियरली पहले ही सिखा दी, ठीक है। फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन रो टू एंड इट विल बी रो टू माइनस रो वन। नाउ सिंस द ऑपरेशन इज ऑन रो टू, करेक्ट, सो आई एम गोइंग टू कीप रो वन एंड रो थ्री एज इट इज बेटा, रो वन एंड रो थ्री एज इट इज, ठीक है। तो मैं इधर रफ में लिख दूं दैट वी आर परफॉर्मिंग रो टू माइनस रो वन। तो रो टू में एलिमेंट है फोर माइनस एक्स माइनस रो वन में एलिमेंट है फोर प्लस एक्स। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स कितना मिलेगा बेटा आपको, माइनस टू एक्स। यस एवरीवन बेटा, यस और नो बेटा, डायरेक्टली लिखूं चलेगा ना, माइनस टू एक्स, इज इट ओके विद एवरीवन इफ आई राइट दैट डायरेक्टली, ओके। सेकेंड एलिमेंट क्या है बेटा, फोर प्लस एक्स, एक था समझ रहा है, सेम मैं आपको फिर से अल्गोरिदम ही अप्लाई करवा रहा हूँ,
ऐसे इसको करने का एक और तरीका भी है, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। ठीक है, 4 + x, 4 - x, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे +4 -4 कट, -, -+x, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा आपको, 2x इधर आ जाएगा, 2x। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 - x, नेक्स्ट एलिमेंट इज 4 - x, तो क्या मिलेगा आपको, 4 - x, और ऊपर भी क्या है, 4 - x, तो ये तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा बेटा, 0। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पहला स्टेप तो हो गया। अब हमें क्या करना है, रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है, तो ऑपरेशन होगा रो 3 पर। ठीक है, सो सिंस द ऑपरेशन इज ऑन रो 3, सो आई एम गोइंग टू कीप रो 1 एज वेल एज रो 2 एज इट इज। ये है -2x, ये है 2x, ये है 0। ठीक है, चलो ऑपरेशन होने वाला है रो 3 पर, एंड इट इज रो 3 - रो 1, तो रो 3 में है 4 - x, करेक्ट। तो ये आपको क्या मिला, 4 - x, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आएगा, 4 + x माइनस ऑफ 4 + x। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करो, +4 - 4 कट, आपको फिर से क्या मिल रहा है, -2x। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट है 4 - x, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 - x, 4 - x, -4 - x, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0। नेक्स्ट 4 + x, और इधर है 4 - x, 4 + x, -4 - x, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे +4 - 4 कट, x + x, कितना हो जाएगा बेटा ये, 2x। अब हमें दिया है दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, आई थिंक सभी लोगों को एक्सपांड करने आता है, करेक्ट। सो इट इज 4 + x, डिटर्मिनेंट में 2x, 0 0 2x, सेंटर टर्म बेटा हमेशा माइनस होता है, तो 4 - x क्या मिलेगा आपको, -2x, -2x, 0 और 2x, आखिरी टर्म क्या है, 4 - x, -2x, 2x, -2x एंड 0। दिस एंटायर टर्म इज गिवन टू यू इक्वल टू 0। सो व्हाट यू विल गेट दिस एज, ये इधर है आपके पास ब्रैकेट में 4 + x, ये तो बेटा 2x * 2x कितना हो जाएगा, 4x² एवरीवन, डू यू ऑल एग्री, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 4x² 2x * 2x, माइनस में क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट टर्म, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, फर्स्ट टर्म 2x * 2x विल बी 4x², एनी डाउट्स, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा, ओके, माइनस 4 - x, इधर क्या मिलेगा आपको, 2x - -2x, तो ये हो जाएगा -4x², और ये हो जाएगा बेटा -0, +4 - x,
ये होगा जीरो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या मिला, फोर प्लस एक्स इन ब्रैकेट फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स इन ब्रैकेट माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिला फोर माइनस एक्स और यहाँ पर आपको मिला फोर एक्स स्क्वायर। तो अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आई एम टेकिंग फोर एक्स स्क्वायर कॉमन। तो अगर मैं फोर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, फोर प्लस एक्स, तो ये माइनस और ये अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा बेटा, एवरीवन ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। यस एवरीवन, यस और नो बेटा, तो डायरेक्टली लिखूं प्लस फोर माइनस एक्स, किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या, डायरेक्टली लिखूं प्लस फोर माइनस एक्स, विल इट बी ओके विथ एवरीवन? ओके, प्लस फोर माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर तो उधर चला गया तो ये टर्म पूरा ही जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा फोर प्लस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा बेटा, ट्वेल्व। यस और नो, यू विल गेट दिस एज ट्वेल्व। अभी एक एक एक्स कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, आपको मिलेगा माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व बेटा, एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ट्वेल्व। Any doubts to anyone? Anybody having any doubts? किसी को कोई doubt? क्योंकि मुझे फिर एक चीज बतानी है और okay, अब observe कीजिएगा, observe कीजिएगा, correct? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ देयर कैन बी वन मोर वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज नथिंग बट जीरो, कैन आई से दैट बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? अगर देखेंगे तो ये भी तो एक टर्म ही हुआ ना एक्स का, तो बोलेंगे सर पहले वाले सम में ऐसा नहीं था बेटा, पहले वाले सम में हमारे पास कॉन्स्टेंट था। यस देखिए, पहले वाले सम में 37 इट वॉज कॉन्स्टेंट राइट, माइनस 37, बट यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल भी है, करेक्ट, आई हैव वेरिएबल, तो मैं इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकता था ना, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू जीरो या तो सेकेंड टर्म इक्वल टू जीरो। यस डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा, यस और नो बेटा, दीज आर टू वेरिएबल्स राइट, तो आई कुड हैव टेकन इट इन द सिमिलर मैनर। यस, तो आप इसी को मैं भी रीराइट करने वाला हूं, करेक्ट, क्योंकि ये मिस्टेक लास्ट ईयर स्टूडेंट्स करके आए थे, उनको एग्जाम में पूछा था क्लास टेस्ट में, करेक्ट, सो दे जस्ट रोट इट 12, तो फिर उनको ये बात समझानी पड़ी थी, तो ये बैच में पहले मैंने आपको ये बताया कि कैसे सॉल्व करना है। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू जीरो मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू जीरो और सेकेंड टर्म 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से तो आपको x जीरो ही मिलेगा, या तो फिर यहां पर आपको क्या मिला था 12 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी 12, करेक्ट। तो जस्ट मेक अ नोट फॉर दिस पॉइंट कि ये स्टेप में काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस स्टेप में आप लोग की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनर वन मार्क डिडक्ट कर देता है, चार मार्क का सम है ना, वन मार्क डिडक्ट करेगा, क्योंकि आपका सम सही है, सम में कोई भी गलती नहीं है, बट यस एक मार्क डिडक्ट कर देगा बेटा, ठीक है, ऑन द फाइनल आंसर, ठीक है।
Now, anybody having any doubts, beta? Anybody having any doubts? Sure. तो चलो एक बार प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? एक एक करके रिवाइज करेंगे बेटा. लेट अस रिवाइज ईच प्रॉपर्टी वंस. एक बार रिवाइज करना बनता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर वन क्या पढ़ा था बेटा? व्हाट वाज प्रॉपर्टी नंबर वन? कि वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा अगर आप रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? इफ, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, ठीक है? आई एम राइटिंग इट इन ब्रीफ. इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, रोज, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, मैं क्यों पूरा लिखूं? इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है? अगर आप दो रो या दो कॉलम्स को आपस में बदलते हैं और इफ यू इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स द वैल्यू डज नॉट चेंज. लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी दो रो को आपस में बदलते हो या कोई दो कॉलम्स को बदलते हो, देन द डिटर्मिनेंट चेंजेस इन डैश. बताइए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, करेक्ट, देन द वैल्यू चेंजेस इन डैश बेटा, देन वैल्यू चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू साइन, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? अभी प्रॉपर्टी नंबर थ्री तो आप भूलेंगे ही नहीं क्योंकि आपने वो बहुत बार अप्लाई किया है. यस, वी हैव अप्लाइड इट मेनी टाइम्स. इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो फिर क्या होगा? If any two rows or columns are identical, then what is going to happen? The value of the determinant is zero. Then value of the determinant is zero. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर बेटा. अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट के, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, भाई मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, ठीक है, से इट इज ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री. अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट से के, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स व्हाट? के टाइम्स दैट डिटर्मिनेंट. यस एवरीवन, ए वन बी वन सी वन, A2, B2, C2, A3, B3, C3. याद है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप K times D भी बोल सकते हैं. Yes, that was our property number 4. Now, property number 5. अगर आपको कोई determinant दिया गया है जिसमें रो या तो कॉलम, इसी को ले लेता हूं, से ए वन प्लस एक्स, बी वन प्लस वाई, सी वन प्लस जेड, ए टू ए थ्री, बी टू बी थ्री, सी टू सी थ्री. अगर ऐसा है,
करेक्ट, तो फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, एज दी सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, प्लस एक्स वाई जेड, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ठीक है, दिस वॉज अवर प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसमें क्या क्या सीखा था। पहली चीज जो हमने सीखी थी वो ये थी कि आप रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। करेक्ट, सो आर आई एंड आर जे। दूसरी चीज, आप दो कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तीसरी चीज, आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो रोज पे या तो कॉलम्स पे। प्लस करो माइनस करो, कॉलम्स में प्लस करो कॉलम्स में माइनस करो, वी कैन परफॉर्म ऑल सच ऑपरेशंस। ठीक है, यही नहीं, इनफैक्ट आप जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पहले रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने उसे से नेक्स्ट रो से ऐड कर दिया। करेक्ट, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 7 का दूसरा नाम था ट्राइंगल प्रॉपर्टी। करेक्ट, इट वॉज कॉल्ड एज ट्राइंगल प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है, ट्राइंगल प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर मेरे पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है, मतलब ए वन वन 0, ये होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो 0 है। करेक्ट, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज व्हाट, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ए वन वन इंटू ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री। मैं दो बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आपको आपके टेक्सटबुक में ए वन ए टू ए थ्री ऐसे दिया है। ठीक है, सो दीज वर योर 7 प्रॉपर्टीज जिस पर हमने आज सम्स किए हैं, मतलब आज कंप्लीट किए हैं। सो दीज वर 7 सम्स एंड वी टुक अराउंड 4 लेक्चर्स ऑफ 1 आवर। ठीक है, 7 सम करवाने के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। ठीक है, सो आई होप ऑल दी 7 सम्स आर वेल वर्स विथ यू। आप सभी लोगों ने काफी मेहनत की होगी इन सम्स को प्रैक्टिस करने के लिए, एटलीस्ट जो कल तक दिए गए थे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यू डोंट हैव इन योर सिलेबस विथ रिस्पेक्ट टू कॉलेज। ओके, ये था आज का हमारा पहला सम। ये था आज का दूसरा सम। टेस्ट कभी रखें बेटा, व्हेन आई कैन कीप दी टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। आज 17th है बेटा, आज वेनसडे है, कभी फ्राइडे को रखें। कैन आई कीप दी टेस्ट ऑन फ्राइडे बेटा? इज इट डन एकदम? ओके, सो दिस इज द लास्ट वन बेटा।
Correct. So Friday you are going to appear for the test on 6.2 exercise. Okay. So we will stop here. Until next lecture, you all stay home, stay safe. Have a great day ahead. Thank you.